और इस बीच बड़ी खबर मेट्रो में सफर करने वालों के लिए, दिल्ली के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैजेंटा लाइन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा और आम लोगों के लिए ये लाइन 29 मई को खोल दी जाएगी, यानी कि आम जनता इस लाइन पर 29 मई से सफर कर सकेगी। जनकपुरी से कालकाजी तक मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन का उद्घाटन 28 मई को होगा, तो दिल्ली की जनता के लिए या फिर NCR की जनता के लिए ये अच्छी खबर है। जनकपुरी से कालकाजी तक मेट्रो चलेगी, काम पूरा हो चुका था और कुछ दिन पहले इसको मंजूरी दी गई थी। अब 28 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा और 29 मई से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। 29 मई से आम जनता के लिए ये लाइन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि जनकपुरी से कालकाजी तक ये मेट्रो चलेगी। तो DMRC की एक और सफलता, मजेंटा लाइन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इस लाइन के उद्घाटन के साथ ही इसमें सफर करने के दौरान लोगों का काफी वक्त बचेगा। ललित नारायण कालपन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, एक अच्छी खुशखबरी है दिल्ली NCR के लोगों के लिए, कौन उद्घाटन करने आ रहा है 28 मई को? देखिए विवेक, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर निकल के सामने आई है, दिल्ली मेट्रो का ऑफिशियल प्रोग्राम तय हो गया है। 28 तारीख को दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें कि जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो दोनों लोग इसका उद्घाटन करेंगे। नेहरू इनक्लेव जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर हरी झंडी दिखाई जाएगी शाम को 4:30 बजे, और 29 तारीख से इस लाइन को आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा। यानी 29 तारीख से दिल्ली वाले सीधी जनकपुरी से बोटैनिकल गार्डन तक का सफर कर सकते हैं। और अब काफी और जो है साउथ दिल्ली का बहुत सारा इलाका जो है अब वो कनेक्ट हो जाएगा इस पूरी लाइन पर, जिसके बाद जो है लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। जी बिल्कुल राहत है, लेकिन कितना टाइम बचेगा? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा था कि लगभग 20 मिनट का अंतर आएगा। अब से लोग पहले बोटनिकल गार्डन से जनकपुरी जाने के लिए ब्लू लाइन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इससे और ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल विवेक, केवल 20 मिनट का समय ही नहीं बचेगा, बल्कि जो किराया है उसकी भी जो वो है काफी कम हो जाएगा किराया। और 20 मिनट का मतलब है कि तकरीबन 10 से 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक का जो किराया है वो कम हो सकता है। और अभी जब दिल्ली मेट्रो जिस दिन उद्घाटन करेगी तो उस दिन इसका फेयर चार्ट भी जारी करेगी, और फेयर चार्ट के अनुसार जो है अगर देखा जाएगा तो लोगों को अब नोएडा पहुंचने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे, अब उनको कम पैसे खर्च में ही वो नोएडा पहुंच जाएंगे। जी।